जय श्री कृष्णा टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एपीएस ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोनों पर आपसे चर्चा की। आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली के द्वारा छह प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, पार्स ट्यूबरोसम, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टिलिस। यहां पर हम पार्स डिस्टिलिस पर हम ज्यादातर यहां पर फोकस है हमारा कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों पर आप चर्चा कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में एसटीएच हार्मोन पर आपसे बात की थी, जीएच हार्मोन पर आपसे बात की थी। एसटीएच हार्मोन का पूरा नाम था सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, और आपको बताया था कि सोमेटोट्रोपिक जो हार्मोन होता है वो मानव के शरीर में अस्थि पसली एवं संयोजी ऊतकों के निर्माण या अस्थि पसली और संयोजी ऊतकों की वृद्धि में कोई क्या करता है, एसटीएच हार्मोन प्रेरित करने का कार्य करता है। एसटीएच हार्मोन मानव के शरीर में कोशिका विभाजन की क्रिया को प्रेरित करने का कार्य करता है। एसटीएच हार्मोन मानव के शरीर में वसा के विघटन को या वसा के अपघटन की क्रिया में सहायक होता है। साथ में मानव के शरीर में दुग्ध स्त्रवण की क्रिया के अंदर क्या होता है, सहायक होता है। दुग्ध सीक्रेशन, मिल्क सीक्रेशन की क्रिया में सहायक होता है। उसके बाद हमने बताया कि एसटीएच हार्मोन का यदि मानव के शरीर में अल्प मात्रा में श्रावण हो तो मानव के शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो एसटीएच हार्मोन का यदि मानव के शरीर में अल्प श्रावण हो तो पहला रोग मैंने आपको बताया था कि उनके अंदर बौनापन या मिजेट्स रोग हो जाता है। बौनापन या उस रोग को मिजेट्स रोग कहा जाता है। और आपको बताया कि एसटीएच हार्मोन की जब मात्रा यदि किसी मानव के शरीर में कम हो जाए या उसका अल्प मात्रा में श्रावण हो तो एसटीएच हार्मोन की कम मात्रा में श्रावण होने पर वह मनुष्य नपुंसक और कैसा हो जाता है, बांध हो जाता है। जिस रोग के अंदर मनुष्य की लंबाई कम हो जाती है मनुष्य कैसा रह जाता है, बौना रह जाता है, जिसे मिजेट्स या बौनापन रोग के नाम से जाना जाता है। दूसरा मैंने रोग आपसे चर्चा की थी सिमंड रोग के बारे में। मैंने बताया जब मनुष्य के शरीर में एसटीएच हार्मोन की मात्रा कैसी हो जाती है, कम होती है, और कम हो जाती है तो मानव का जो शरीर होता है, ठीक है, एसटीएच हार्मोन की मात्रा जब कम हो जाती है तो मानव के शरीर के अंदर ऊतकों का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। और जब मानव के शरीर में ऊतकों का क्षय होता है तो मनुष्य समय से पहले क्या दिखाई देने लगता है, बूढ़ा दिखाई देने लगता है, वृद्ध दिखाई देने लगता है। उसके बाद हमने बताया था एसटीएच हार्मोन की अति स्राव से उत्पन्न होने वाले रोग। यदि मानव के शरीर में एसटीएच हार्मोन का अधिक मात्रा में स्राव हो तो उनके अंदर दो प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है महाकायता और दूसरा होता है अग्राति कायता। महाकायता में मैंने आपसे क्या बात की थी, मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था में जब एसटीएच हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य की लंबाई कितनी हो जाती है, 7 से लेकर 8 फीट हो जाती है, जिस रोग को सिमंड रोग कहते हैं। इस सिमंड रोग में मनुष्य के हाथ पैरों की लंबाई कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। दूसरा रोग मैंने आपको बताया था अग्राति कायता, एक्रोमिगेली डिजीज। और इस रोग में मैंने बताया था कि जब मनुष्य युवा अवस्था में हो जाता है, युवा अवस्था में आने पर एसटीएच हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर मनुष्य के जो जबड़े होते हैं उनकी हड्डियां कैसी हो जाती है, अधिक लंबी हो जाती है, और गाल की जो हड्डियां होती हैं वो कैसी हुई दिखाई देती है, उभरी हुई दिखाई देती है, जिससे मनुष्य कैसा दिखाई देने लगता है, क्रूप या बेडोल के रूप, बेडोल काय के रूप में क्या है, दिखाई देता है। और इस दौरान मनुष्य के अंदर क्या है कि कशेरुक दंड की लंबाई अधिक हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य क्या है, यानी कि झुककर के चलने लगता है, अर्थात मनुष्य के अंदर कुबड़ रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद हमने आपसे बात की थी जीटीएच के बारे में, ठीक है। हमने आपको बताया कि जीटीएच जो हार्मोन होता है, ठीक है,
ये महिला और पुरुषों के अंदर उत्तेजना उत्पन्न करने का कार्य करता है। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, GTH का पूरा नाम मैंने आपको कल बता दिया था, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। ये गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है वो महिलाओं के अंदर और पुरुषों के अंदर उत्तेजना पैदा करने का क्या करता है, कार्य करता है। महिलाओं को मादा कहा जाता है और पुरुषों को हम विज्ञान में क्या कहेंगे, नर कहेंगे। नर और मादाओं में उत्तेजना पैदा करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, GTH हार्मोन के द्वारा किया जाता है। आपको मैंने बताया स्त्री और पुरुष के जो जननांग होते हैं उन जननांगों की परिपक्वता के लिए यह हार्मोन जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। साथ में नर और मादा के जननांगों की क्रियाशीलता के लिए भी यह हार्मोन कैसा होता है, उत्तरदायी होता है। इसके बाद हमने आपसे नेक्स्ट उस वीडियो में आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन के प्रकार, और गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है FSH हार्मोन और दूसरा होता है LH हार्मोन। FSH हार्मोन का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो आप से आज हम बात करेंगे FSH हार्मोन और LH हार्मोन पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं FSH हार्मोन के बारे में। क्लास 12th लेसन नंबर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, ये चैप्टर का नाम है। और आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन का प्रकार है, जो हम लास्ट वीडियो में भी बात कर चुके हैं। उनमें से पहले हार्मोन की बात कर रहे हैं, FSH हार्मोन। सबसे पहले बात करते हैं भी FSH हार्मोन का पूरा नाम क्या है। कल मैं बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, F का अर्थ होता है फॉलिकल, S का अर्थ होता है स्टिमुलेटिंग और H का अर्थ होता है हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटेक उद्दीपक हार्मोन के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। ये पुटेक उद्दीपक हार्मोन क्या काम करता है, ठीक है। ये पुटक उद्दीपक हार्मोन जो होता है, FSH हार्मोन जो होता है वो मादाओं के अंदर, मादाएं जो होती हैं फीमेल्स होती है, उन फीमेल्स के अंदर पुटिकाओं की वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। मादाओं में किसका निर्माण होता है, पुटिकाओं का निर्माण होता है। पुटिकाओं के आकार में जो वृद्धि होती है उसमें ये FSH हार्मोन सहायक होता है, ठीक है। तो FSH हार्मोन जो होता है वो मादाओं में पुटिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, साथ में उन पुटिकाओं के परिपक्वन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। मादाओं के अंदर पुटिकाओं की वृद्धि और परिपक्वन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा है कि मादाओं के अंदर एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, मादाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उस एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण में भी कौन सहायक होता है, FSH हार्मोन होता है। FSH हार्मोन मादाओं के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उस एस्ट्रोजन हार्मोन के श्रावण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये तो मैंने आपसे बात कर ली मादाओं में। तो मादाओं में FSH हार्मोन जो होता है वो पुटिकाओं की वृद्धि और परिपक्वता में सहायक होता है, और दूसरा मैंने बताया मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए नर के अंदर जो FSH हार्मोन होता है ये क्या काम करता है। नर के अंदर ये FSH हार्मोन जो होता है वो शुक्रजनन नलिकाएं होती है, ठीक है, और शुक्रजनन नलिकाओं की वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। नर के अंदर FSH हार्मोन जो होता है वो शुक्रजनन नलिकाओं के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। शुक्रजनन नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के निर्माण की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है।
या हम कह सकते हैं कि FSH हार्मोन नर मनुष्य के अंदर या नर के अंदर शुक्रजनन नलिकाओं की वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। साथ में नर के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया में भी FSH हार्मोन क्या होता है, सहायक होता है। तो FSH हार्मोन नर के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये दो बिंदु आपके समझ में आ गए होंगे। तो FSH हार्मोन जो होता है वो माताओं में पुटिकाओं की वृद्धि और परिपक्व में सहायक होते हैं। साथ में FSH हार्मोन माताओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। नर जो होता है उसमें FSH हार्मोन शुक्रजनन नलिकाओं की वृद्धि में सहायक होते हैं और शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होते हैं, या शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, ये हार्मोन प्रेरित करते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करने का जो कार्य करते हैं, इंड्यूस्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय द FSH हार्मोन। FSH हार्मोन जो होते हैं वो शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ये हो गया हमारा FSH हार्मोन। ये आज का पहला टॉपिक था। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है LH हार्मोन। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट LH हार्मोन। देखिए, सबसे पहले LH हार्मोन का पूरा नाम सुन लीजिए। L को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, H का अर्थ होता है हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। या इसका एक दूसरा नाम है जो भी मैं बता रहा हूं आपको, ICSH हार्मोन। LH हार्मोन को ही ICSH हार्मोन भी कहते हैं। आई का अर्थ होता है इंटरस्टियल, INTERSTITL इंटरस्टिटियल। सी का अर्थ होता है सेल, एस का अर्थ होता है स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग। और एच का अर्थ होता है हार्मोन, इंटरस्टिटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, देखिए LH हार्मोन क्या काम करता है। LH हार्मोन जो होता है वो नर मनुष्य के अंदर व्रसन पाया जाता है। नर के अंदर व्रसन की जो अंतराली कोशिकाएं होती है और अंतराली कोशिकाओं को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं और प्रेरित करके उन अंतराली कोशिकाओं से एंड्रोजन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। कौन से हार्मोन के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं, एंड्रोजन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। अर्थात पुरुषों के अंदर LH हार्मोन जो होता है वो नर हार्मोन के श्रावण की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है। तो LH हार्मोन मैंने आपको बता दिया है कि नर जो मनुष्य होते हैं, नर के अंदर मुख्य जनन अंग कौन सा होता है, व्रसन होता है। व्रसन को क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। और व्रसन जो होते हैं इन वृषणों के अंदर अंतराली कोशिकाओं के निर्माण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। अंतराली कोशिका के निर्माण की क्रिया को ये क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। और अंतराली कोशिकाओं से किसके निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं, एंड्रोजन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को ये क्या करते हैं, प्रेरित करने का कार्य करते हैं। अर्थात LH हार्मोन जो होता है वो नर के व्रसन होते हैं और व्रसनों की अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करके एंड्रोजन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी तरीके से LH हार्मोन या ICSH हार्मोन जो होता है वो स्त्रियों में या महिलाओं के अंदर ग्राफियन पुटिकाओं के परिपक्वन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। LH हार्मोन जो होता है वो मादाओं के अंदर किन किन में सहायक होता है, मादाओं के अंदर ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं, ग्राफियन फॉलिकल जिनको हम बोलते हैं, ग्राफियन पुटिका के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। या ग्राफियन पुटिकाओं के निर्माण के साथ साथ उनके परिपक्वन की क्रिया में क्या होता है, ये सहायक होते हैं। तो ग्राफियन पुटिकाओं के परिपक्वन में सहायक होते हैं। दूसरा, मादाओं में अंडोत्सर की क्रिया में क्या होता है, ये सहायक होता है। ओव्यूलेशन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। अंडोत्सर की क्रिया में सहायक होते हैं।
तीसरा माताओं के अंदर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। माताओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को जो प्रेरित किया जाता है वो LH हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है, या हम कह सकते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निर्माण की क्रिया में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, LH हार्मोन क्या होता है, सहायक होता है। साथ में मैं बता दूं आपको ये कार्पस ल्यूटियम जो होती है, कार्पस ल्यूटियम के विकास में भी ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और आपको बता दूं कार्पस ल्यूटियम की कोशिकाओं से ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को जो प्रेरित करता है वो LH हार्मोन ही करता है, ठीक है। तो कार्पस ल्यूटियम के निर्माण की क्रिया को क्या कहा, कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करने का कार्य जो किया जाता है वो LH हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो LH हार्मोन क्या काम करता है नर में, कि नर के अंदर जो वृषण होता है, वृषण में अंतराली कोशिका होती है और अंतराली कोशिकाओं को ये हार्मोन प्रेरित करता है, किसके लिए करता है, एंड्रोजन हार्मोन के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, मादाओं में LH हार्मोन जो होता है वो ग्राफीन पुटिकाओं के परिपक्वन की क्रिया में सहायक होता है, मादाओं के अंदर अंडोसर ओव्यूलेशन की क्रिया में सहायक होता है। साथ में मैंने बताया कार्पस ल्यूटियम के विकास की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है, या हम कह सकते हैं कि कार्पस ल्यूटियम के विकास के साथ साथ ये क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम की जो कोशिका होती है उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, LH हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, LH हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। देखिए अब तक हमने दोनों गोनेडोट्रॉपिक हार्मोनों पर बात कर ली है, GTH हार्मोनों पर बात कर ली है, FSH हार्मोन और LH हार्मोन। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन, ठीक है। देखिए इसके बाद हम तीसरे हार्मोन पर आज जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और वो हमारा हार्मोन है जिसका नाम है TSH हार्मोन। TSH का पूरा नाम पर बात करते हैं सबसे पहले, देखिए TSH हार्मोन, देखिए थर्ड वन टॉपिक है हमारा ये जिसका नाम है TSH हार्मोन। T का अर्थ होता है थायराइड, THYROID थायराइड, S का अर्थ होता है स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग, H का अर्थ होता है हार्मोन। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के द्वारा ये TSH हार्मोन भी क्या होता है, स्रावित होता है। और TSH हार्मोन क्या काम करता है मैं आपको बता दूं, मानव के गले के अंदर क्या पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि के वृद्धि और उसके परिपक्वन साथ में उनके नियमन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य जो किया जाता है वो TSH हार्मोन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो क्या काम किया जाता है, TSH हार्मोन जो होता है वो मानव के गले में कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, और उस थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और उसके नियमन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। TSH हार्मोन जो होता है वो मानव की थायराइड ग्रंथि की वृद्धि, ठीक है, और उसके नियमन में क्या होता है, सहायक होता है। TSH हार्मोन मानव की थायराइड ग्रंथि की वृद्धि में सहायक होता है, साथ में थायराइड ग्रंथि के नियमन की क्रिया में भी क्या होता है, सहायक होता है। ये TSH हार्मोन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, TSH हार्मोन जो होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। TSH हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये बात याद रखनी है कि TSH हार्मोन किस प्रकार का हार्मोन होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन प्रकार का होता है। आपको मैं बता दूं TSH जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन का जो श्रावण होता है वो हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस के अंदर थायरोट्रोपिन मुक्त हार्मोन से क्या होता है, प्रेरित होता है। ये TSH हार्मोन का जो स्राव होता है वो हाइपोथैलेमस के थायरोट्रोपिन मुक्त हार्मोन से इसका क्या होता है, स्राव होता है, या हार्मोन थायरोट्रोपिन हार्मोन से ये क्या होता है, प्रेरित होता है, ठीक है।
तो टीएसएच हार्मोन का जो श्रावण होता है ठीक है वो हाइपोथैलेमस के थायरोट्रोपिन जिससे थायरोट्रोपिन मुक्त हार्मोन से क्या होता है प्रेरित होता है। देखिए टीएसएच हार्मोन आपको बता दिया, तो टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और नियमन की क्रिया में मुख्य रूप से सहायक होता है। अगला जो हार्मोन है हम बात कर रहे हैं फोर्थ वन हार्मोन के बारे में जिसका नाम है एसीटीएच हार्मोन। ए का अर्थ होता है एडिनो, सी का अर्थ होता है कार्टिको, टी का अर्थ होता है ट्रॉपिक एडिनो कार्टिको ट्रॉपिक और एच का अर्थ होता है हार्मोन एडिनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। एडिनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन एसीटीएच हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। ये हार्मोन जो होता है वो एड्रियल ग्रंथि होती है, और एड्रियल ग्रंथि की कॉर्टेक्स वाला भाग होता है। एड्रियल ग्रंथि में आपको बता दूं कहां पर पाई जाती है, ये मानव के शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं वृक्क पाए जाते हैं ठीक है, मानव के शरीर के अंदर क्या पाया जाता है यहाँ पर इस तरीके से वृक्क पाया जाता है ठीक है, और मानव के शरीर के अंदर जो वृक्क होते हैं ठीक है उनके ऊपर ये टोपीनुमा संरचना के रूप में ये ग्रंथि पाई जाती है जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि ने क्या है तो इस ग्रंथि का एक दूसरा नाम है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि या इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये एडिनोकार्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स भाग होता है। एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। तो एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन या एसीटीएच हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है उस कॉर्टेक्स वाले भाग की वृद्धि के अंदर क्या होता है सहायक होता है। साथ में उस कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं उन पर ये नियंत्रण करने का क्या करता है कार्य करता है। अर्थात एसीटीएच हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से ठीक है कॉर्टेक्स भाग की वृद्धि में सहायक होता है और उस भाग से निकलने वाले कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलने वाले हार्मोनों पर ये क्या करता है नियंत्रण करने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन कार्य करता है एसीटीएच हार्मोन कार्य करता है। आपको मैं बता दूं पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग होता है उस अग्रभाग में कार्टिकोट्रोपिक कोशिकाएं होती है। और उन कोशिकाओं के द्वारा एसीटीएच हार्मोन का क्या होता है स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में कार्टिकोट्रोपिक सेल्स पाई जाती है जो एसीटीएच हार्मोन का क्या करती है श्रावण करती है। तो एसीटीएच हार्मोन मैंने आपको बता दिया है कि एसीटीएच हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग की वृद्धि में सहायक होता है। साथ में उस कॉर्टेक्स वाले भाग से जो हार्मोन निकलते हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य भी एसीटीएच के द्वारा किया जाता है। अब ये एसीटीएच हार्मोन कहां से स्रावित होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये एसीटीएच हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग होता है और अग्रभाग में कार्टिकोट्रोपिक सेल्स होती है और उन सेल्स से एसीटीएच हार्मोन का क्या होता है स्राव होता है। देखिए नेक्स्ट हार्मोन पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा पांचवा हार्मोन जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे और वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक दूसरा नाम है जिसको हम शॉर्टली बता रहे हैं पहले एलटीएच हार्मोन। इसका एलटीएच का पूरा नाम है लैक्टोजेनिक
लैक्टोजेनिक, टी का अर्थ हो गया ट्रॉपिक और एच का अर्थ हो गया हार्मोन, लैक्टोजेनिक ट्रॉपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन को लैक्टोजेनिक ट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं या इसका एक दूसरा नाम है मैमोट्रॉपिक हार्मोन, मैमोट्रॉपिक हार्मोन भी इसे क्या है कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? मैमोट्रॉपिक हार्मोन भी इसे क्या है कहा जाता है। कौन से हार्मोन को? प्रोलैक्टिन हार्मोन। आपको मैं बता दूं, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो दुग्ध जनक हार्मोन होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? इस हार्मोन को दुग्ध जनक हार्मोन भी क्या है कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? दुग्ध जनक मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन भी इसे क्या है कहा जाता है, या दुग्ध जनक हार्मोन भी प्रोलैक्टिन हार्मोन को कहा जाता है। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए इस हार्मोन का जो श्रावण होता है वो पीयूष ग्रंथि होती है, उस पीयूष ग्रंथि के अंदर लैक्टोग्राफिक कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? लैक्टोग्राफिक कोशिकाएं होती हैं, और उन कोशिकाओं के द्वारा पीयूष ग्रंथि के अंदर लैक्टोग्राफिक कोशिकाएं होती हैं और उन कोशिकाओं के द्वारा ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या होता है श्रावण होता है। आपको मैं बता दूं, जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन या एलटीएच हार्मोन या लैक्टोजेनिक ट्रॉफिक हार्मोन या मैमोट्रॉफिक हार्मोन, स्त्रियों में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, एलटीएच हार्मोन, या मैमोट्रॉफिक जो हार्मोन होता है वो गर्भ अवस्था में स्तनों के आकार में क्या होता है वृद्धि में सहायक होता है। साथ में शिशु जो होता है उसके जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद दुग्ध स्राव की क्रिया को प्रेरित करने का क्या करता है कार्य करता है। शिशु के जन्म के बाद दुग्ध के स्राव की क्रिया को क्या किया जाता है प्रेरित किया जाता है, इसलिए इन्हें दुग्ध जनक हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन के बाद हम बात करते हैं एमएसएच हार्मोन। एमएसएच हार्मोन का पूरा नाम है मेलेनोसाइट, एम का अर्थ होता है मेलेनोसाइट, एस का अर्थ होता है स्टिमुलेटिंग, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग, एच का अर्थ होता है हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एमएसएच हार्मोन के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। ये हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि की, मैं आपको बता दूं, अग्रपाली होते हैं, अग्रपाली का एक भाग होता है पार्श इंटरमीडिया, उस पार्श इंटरमीडिया से ये एमएसएच हार्मोन का क्या होता है श्रवण होता है, इसलिए इसे इंटरमीडिन भी कहते हैं। एमएसएच हार्मोन को इंटरमीडिन हार्मोन भी क्या है कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली का जो मध्य भाग होता है जिसे पार्श इंटरमीडिया कहते हैं, उस पार्श इंटरमीडिया से इस एमएसएच हार्मोन का क्या होता है श्रावण होता है। यह हार्मोन जो होता है, एमएसएच जो हार्मोन होता है वो रंगा कोशिकाएं होती हैं, और रंगा कोशिकाओं से क्या होता है मेलानिन, रंगा कोशिकाओं से मेलानिन जो होता है वो फैल जाता है, और फैल करके कैसा हो जाता है गहरा हो जाता है। अर्थात ये एमएसएच हार्मोन जो होता है वो मानव की त्वचा के रंग को, ठीक है, मानव की त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं, मानव की त्वचा पर तिलों के निर्माण की क्रिया में भी एमएसएच हार्मोन सहायक होता है। मानव की त्वचा पर जो तिलों का निर्माण होता है उन तिलों के निर्माण की क्रिया में एमएसएच हार्मोन सहायक होता है। कई बार हमारी त्वचा पर चकते बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, वो चकते धब्बे या स्पॉट जो बनते हैं उनके बनने में भी एमएसएच हार्मोन क्या है सहायक होता है। या हम कह सकते हैं कि एमएसएच हार्मोन जो होता है वो मानव की त्वचा पर तिल के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है, साथ में चकते बनाने की या चकते बनने की क्रिया को भी प्रेरित करता है, ठीक है। तो एमएसएच हार्मोन को इंटरमीडिएट हार्मोन कहते हैं, जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली की
पार्स इंटरमीडिया से स्रावित होता है। यह हार्मोन रंगा कोशिकाएं होती हैं, उन रंगा कोशिकाओं में मेलानिन का क्या है, मेलानिन वर्णक जो होता है वो फैल जाता है और फैल करके गहरा हो जाता है। यह त्वचा पर तिल और चकते के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करने का कार्य करता है। इसी के साथ पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली के द्वारा स्रावित होने वाले ये सात हार्मोनों पर हमने आपसे चर्चा कर ली है। कल हमने आपसे बात की थी एसटीएच हार्मोन, दूसरा आज हमने जो बात की है एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, ठीक है। उसके बाद हमने आपसे बात की है टीएसएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन और सबसे अंत में हमने आपसे बात की है प्रोलैक्टिन हार्मोन और सबसे अंत में बात की है एमएसएच हार्मोन। इस तरीके से सात प्रकार के हार्मोनों पर आपसे हमने यहां पर चर्चा कर ली। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे किसके ऊपर, इसके बाद हम पीनियल ग्रंथि पर आपसे क्या करेंगे चर्चा करेंगे, या तो पीनियल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि पर आपसे क्या करेंगे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।